class Islamic Affairs students, today I am going to teach you about introduction to letter. Letters kya hote hain? Letters wo symbols hote hain jinko hum as a single word bolte hain, jaise a b c d e f g h. Jab bhi aap kisi bhi letter ko single bolenge to aap unko letter kahenge, aap unko alphabet nahi kahenge. Lekin inhi letters ko jab aap combine karke bolenge as a group bolenge to aap unko alphabets kahenge. Ye hai alphabets mein aur letters mein main difference. Bahut se logon ko, bahut se teachers ko bhi inka difference malum nahi hota aur wo letters ko alphabets ko alphabets ko letters kehte hain. Main isme letters aapke saath share kar rahi hu taki aap logon ko kuch idea ho jaye ki letters kya hote hain aur alphabets kya hote hain. In dono ke beech aapko difference pata chal gaya. Now my next topic is about how many kinds of letters are there. के लेटर्स की कितनी काइंड होती है, कितनी टाइप्स होती हैं लेटर्स की, तो वो मैं आज आपको बताती हूँ. इसमें हमारे पास तीन काइंड होती हैं, स्काई लेटर्स, ग्राफ लेटर्स एंड रूट लेटर्स. नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन स्काई लेटर्स. स्काई लेटर्स क्या होते हैं? स्काई लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आपके फोर लाइन में ऊपर वाली तीन लाइन पे आते हैं और अपर थ्री लाइन यानी कि माइन टू एंड थ्री. अपर थ्री लाइन में जितने भी लेटर्स आते हैं वो आपके जस्ट लाइक दिस बी डी एफ एच के एल पी एफ. देयर आर मेनी मोर. दीज आर कॉल्ड स्काई लेटर्स. एंड द नेक्स्ट इज ग्राफ लेटर्स. ग्राफ लेटर्स आर कमिंग टू वन सेंट्रल टू लाइन. जो सेंट्रल टू लाइन के ऊपर लेटर्स आते हैं वो आपके कौन से लेटर्स होते हैं? ग्राफ लेटर्स होते हैं. जस्ट लाइक दिस ए सी ई आई एम एन ओ. जो सेंट्रल टू लाइन के ऊपर लेटर्स होते हैं वो आपके ग्राफ लेटर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज रूट लेटर्स. ऑन लोअर थ्री लाइन्स जो नीचे वाली थ्री लाइन के ऊपर आके आते हैं वो आपके रूट लेटर्स कहलाते हैं. लाइक जी जे डी यू वाई डी. अच्छा अब ये मैं आपको बताती हूँ कि आप ये स्टूडेंट्स को कैसे रिकवर करवा सकते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे इसमें डिफरेंस बता सकते हैं, उनको कैसे याद करवा सकते हैं, ये मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने उनको याद कैसे करवाना है. स्काई लेटर्स के बारे में आप बच्चों से बोलने के बेटा स्काई, स्काई मीन्स आसमान. आसमान कहाँ होता है? ऊपर. तो इट मीन कि जो ऊपर वाली थ्री लाइन के ऊपर लेटर्स आएंगे वो आपके स्काई लेटर्स होंगे. क्योंकि आसमान ऊपर होता है इसलिए ये ऊपर वाली थ्री लाइन में आएंगे तो वो कौन से होंगे बेटा? स्काई लेटर्स होंगे. इस तरह से आप बच्चों को याद करवाएं. नेक्स्ट है ग्राफ लेटर्स. ग्राफ लेटर्स के बारे में आप बच्चों के लिए ग्राफ